मीनिंगलेस क्वेश्चंस के जवाब बेचारा वो अकेला दे देता है। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, हिमानी कैसे ऐसे अनजान लोगों के साथ ट्रैवल कर लेते हो, आई मीन ताकि आप लोग अब जैसे कि कोविड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, भगवान जी थैंक यू सो मच, अच्छा है कम हो जाए, चला जाए यहाँ से, वापस चला जाए। और आई होप कि आपकी वैक्सीन की दोनों डोज हो गई होगी, नहीं हुई तो फटाफट से लगवा लो, और फिर भी कोविड नॉर्म्स, मास्क लगाओ पब्लिक प्लेसेस में जाते हो तो, वो सारी चीजों का ध्यान तो रखो। देंगे आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इज ग्रुप ट्रैवल इज सेफ फॉर सोलो ट्रैवलर। तो यस, आप कैसे एक सोलो ट्रैवलर हो, आप अकेले हो, आप अपने दोस्तों को पूछ पूछ के थक गए हो कि भाई चल रहा है कहीं ट्रिप पे, चल रहा है नहीं चल रहा है, 10 बार डेट चेंज हो चुकी है, हालत खराब हो गई, पर घूमने कहीं नहीं जा पाए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इंसान क्या करता है, थक हार के अकेले ही जाने की कोशिश करता है। और ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जब मैं ऐसे ग्रुप ट्रिप में जाती हूँ कि भाई मैं अपने दोस्तों से पूछ पूछ के थक गई, पर कोई हाँ नहीं बोलता था तो मैं अकेले आ गई हूँ। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां मुझे मिली है, लड़के भी मिले हैं फॉर श्योर। तो या मैंने सोचा कि यस, जिन लोगों को ये थोड़ा सा इसमें भी डाउट लगता है कि नहीं कैसे जाएं, फिर घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, अकेले अनजान लोगों के साथ कैसे ट्रैवल करें, उसका जवाब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ कि क्या ये सेफ है क्या नहीं है, और कैसे किस कम्युनिटी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं दिल्ली से मैंने कई ग्रुप्स के साथ ट्रैवल किया है, अलग अलग कंपनीज के साथ मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकती हूँ, बाकी डिसीजन तो आपका है। यस, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात आती है, आपको पता ही नहीं है कि कौन आने वाला है ग्रुप में, बेसिकली ये बात है, राइट? अब आपने एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल गो फॉर एक्सप्लोर, आपने इनको कॉन्टैक्ट किया, ये ग्रुप ट्रिप क्यूरेट करते हैं जिसमें कि आपने कॉल लगाया, मैंने फोन लगाया, दिल्ली में मुंबई में बैठे हुए किसी एक बंदे ने फोन लगाया, सबने एक ही ट्रिप के लिए क्वेरी की। अब हो गए 14-15 लोग इकट्ठा, उन सारे लोगों को ये गाड़ी में भरते हैं और लेकर जाते हैं किसी ट्रिप के। समझ रहे हो ना? नहीं, ऐसे सामान की तरह नहीं भरते, मतलब इज्जत से आपको बिठाया जाता है और आपको लेकर जाते हैं एक ट्रिप के लिए, जिसमें कि एक ट्रिप लीडर भी होता है, और वो ट्रिप लीडर आपकी पूरी ट्रिप में आपके साथ होता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको सॉल्व करने के लिए, आप कहां पर स्टे करने वाले हो, गाड़ी कहां पर रुकने वाली है, कितने घंटे लगने वाले, आपके एंडलेस क्वेश्चंस के जवाब बेचारा वो अकेला दे देता है। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ट्रिप लीडर के साथ हमेशा नाइसली बिहेव करें, क्योंकि ही इज द ओनली कर्ता धर्ता ऑफ द एंटायर ट्रिप। तो आप अकेला जाना चाहते हो तब तो ठीक है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक कई बार होता है हमारे 2-3 फ्रेंड्स हैं और हम नहीं प्लान कर पा रहे कोई ट्रिप, और हमें लग रहा है कि हम किसके साथ जाए, मतलब गाड़ी बुक करनी है, होटल बुक करना है, कौन इतना सारा झमेला पालेगा, तो उसके लिए भी आप ऐसे ग्रुप ट्रिप को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसी ग्रुप के साथ आप टैग अलोंग हो सकते हैं और आप आराम से घूम फिर के आ सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कि कैसे बुक करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कम्युनिटी है, लाइक सबसे पहले मैं जिस ऐसे ग्रुप ट्रिप में गई थी दिल्ली आने के बाद इन 2018 में मैं गई थी स्पिति वैली, और मैं गई थी वंडर ऑन कम्युनिटी के साथ। नाउ इट्स अ बिग कम्युनिटी इन द मार्केट, बट अभी भी ऑब्वियसली वो ऐसे ग्रुप ट्रिप करवाते हैं, और इन सबका लिंक ना मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने भी नाम है लाइक वंडर ऑन, गो फॉर एक्सप्लोर, जर्नी बास्केट, बन बंजारा, और देर इज वन मोर, ये थोड़े फेमस है ये लोग, एंड या ऐसे है बहुत सारे, तो मेरे को जितने भी नाम याद आएंगे मैं उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक के साथ। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट में या इंस्टाग्राम पे जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ये आपको बता देंगे कि अपकमिंग ट्रिप कौन सी आने वाली है, और आप उनके साथ उसके लिए टैग अलोंग हो सकते हो। और ये तीसरी चीज ये कि ये सबसे बजट फ्रेंडली ट्रिप होती है, क्यों? क्योंकि ग्रुप में लोगों को लेकर जाते हैं और काफी बजट में आप 6-7 हज़ार में वीकेंड में आराम से कहीं भी घूम के आ सकते हो। नंबर 4 बात आती है, आप गाड़ी में बैठ गए, पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, रूम की। तो अब क्या होता है, ऐसे जब ग्रुप ट्रिप होती है तो वहां पर शेयरिंग बेसिस में रूम होता है, ऑब्वियसली आपको किसी लड़की के साथ ही शेयर करने दिया जाएगा इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ गाय आपको किसी बंदे के साथ ही शेयर करने दिया जाएगा। शेयरिंग बेसिस में रूम इसलिए होते हैं क्योंकि बजट वाले ट्रिप होते हैं, एज आई टोल्ड यू,
फूड और मील्स का क्या सीन होता है, तो इनके मैप प्लान होते हैं। मैप प्लान मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर, ये इंक्लूडिंग होता है। और जो है लंच, वैसे आप देखोगे लंच तो किसी भी ट्रैवल प्लान में कभी भी लंच इंक्लूडिंग नहीं होता है, क्योंकि लंच के टाइम पर हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम मिडिल ऑफ द ट्रैक होते हैं, हम कुछ ना कुछ घूमने फिरने निकले हुए होते हैं, तो वहां पर वो पॉसिबल होता ही नहीं है कि सबको एक जगह बिठा के खाना खिलाया जाए, राइट? तो वो लंच वाला जो सीन होता है वो आपको हमेशा अपने हिसाब से उसका पे करना होता है। तो वो आपको लेकर जाएंगे किसी भी कैफे, किसी भी रेस्टोरेंट, जहां भी रास्ते में जिस जो भी सुविधा होगी उस जगह में, वहां पर आपको रोकते हैं एंड आप अपना लंच ऑर्डर करो, आप खा लो आराम से, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स अप टू यू ओनली। अब ये तो होगी खाने की, रहने की, जाने की बात, अब ग्रुप ट्रिप की सेफ्टी की बात करते हैं। तो मैं सेफ्टी में इसमें 10/10 बोलूंगी। क्यों? पहली बात, सोलो ट्रिप में आप अकेले हो, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक माइंडेड, जो सारे एक ही डेस्टिनेशन के लिए आए हुए हैं, आपको पता है कि ये सब आपके साथ चार दिन, अगले चार दिन आप इनके साथ ही रहने वाले हो, तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कम होती है। आपको पता होता है, पूरी आइटनरी सेट होती है कि आपको कहां जाना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ट्रिप लीडर विल टेल यू, गाइड यू थ्रू आउट द ट्रिप। कई बार तो ग्रुप ट्रिप से ऐसा भी होता है कि आने के बाद भी आप उनसे मिलते हो कंटिन्यूअस। मेरे खुद 2-3 ऐसे फ्रेंड बन गए हैं इन ग्रुप ट्रिप्स में जाके, कि जिनसे मैं आज भी टच में हूं, इट्स बीन 2 years नाउ, वी बीन लाइक वी आर इन टच, एंड हमने उसके बाद भी ट्रेवल किया साथ में, तो आप काफी अच्छी यादें और कुछ नए लोग अपनी लाइफ में लेकर आते हो। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मैं कवर करना चाहती थी इस वीडियोस में। और आपका वो जो मिथ है ना कि ग्रुप ट्रैवल सेफ होता है, नहीं होता है, जो भी है माइंड में जितने भी डाउट्स रहे होंगे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए और फिर भी स्टिल कोई ना कोई सवाल तो रह ही जाता है, कमेंट सेक्शन, यस एग्जैक्टली, पूछ लो, वहां पर बता दूंगी आपको। और कमेंट सेक्शन पे मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ, तो बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं, you can ask me anything you want. Okay, with that note, I'm ending this video here. We'll see you with another video. Till then, tara, bye-bye. Namaste. और हाँ, जाते जाते एक बात और, मैं बहुत कम बोलती हूँ, भूल जाती हूँ हमेशा बोलना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब ठीक है, bye.